क्या आपको पता है आपके गर्भ में पल रहे बच्चे की जो न्यूट्रिशनल सप्लाई होती है, ऑक्सीजन सप्लाई, जैसे कि पल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए खाना, पानी और ऑक्सीजन, ब्लड्स, इन सब की सप्लाई कौन करता है? तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो गर्भ में पलने वाले जो बच्चा है, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, गर्भ में एक माता के गर्भ में बच्चा पल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये क्वेश्चन क्लिक करता है कि गर्भ में पलने वाले बच्चे को ऑक्सीजन की, न्यूट्रिशनल सप्लाई, जो भी ब्लड यानी मिनरल्स, वाटर, आयोडीन, सोडियम और ऑक्सीजन होती है, इन सब की सप्लाई किसके थ्रू होती है, कैसे होती है, क्या गर्भ में बच्चा ये सब चीज खाने पीने लग जाता है, क्या उसकी ओरल कैविटी डेवलप हो जाती है। तो आज हम इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली होता क्या है, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसके 12th डे डेवलपमेंट होता है, जैसे प्रेगनेंसी का 12वां दिन होता है, उस दिन गर्भ के अंदर सबसे पहले प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा एक आहार नाल या गर्भ नाल उसको बोल सकते हैं, वो होती है एक फ्लैट सरफेस होती है जिसके दो पार्ट होते हैं। ऊपरी पार्ट होता है डेसीडुआ, जो एक माता की जो बच्चेदानी है गर्भाशय उससे चिपका होता है। उसका निचला पार्ट होता है कोरियोन, कोरियोन से अम्ब्लाइकल कॉर्ड होती है, जो नाल बोलते हैं उसे, अम्ब्लाइकल कॉर्ड वो लगी हुई होती है, उसके थ्रू बच्चा लगा हुआ होता है। अब ये प्लेसेंटा एक तरीके से इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करवाता है, इन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है बच्चे और माँ के बीच में। प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चा कुछ भी एक्सक्रिएट आउट करेगा, जैसे डेफिकेशन कर रहा है, पॉटी वगैरह, यूरिन एक्सक्रिएट आउट कर रहा है, और कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो ही प्लेसेंटा के थ्रू बाहर निकलेंगे। और प्लेसेंटा के थ्रू ही ये सब जो न्यूट्रिशनल सप्लाई होती है, ब्लड, फूड्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर, ऑक्सीजन, ये सब प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। जैसे कि रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होती है, गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है, ये भी प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस होता है, जैसे कि कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल होता है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाना होता है, बाहर निकालना होता है बच्चे को, वो प्लेसेंटा के थ्रू होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम से में बात की जाए, जैसे कि कोई भी ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सप्लाई, फोलिक एसिड, अमाइनो एसिड, इन सब की पूर्ति प्लेसेंटा करता है। इसमें होता क्या है, प्लेसेंटा के थ्रू दो आर्टरी, अम्ब्लाइकल आर्टरी, दो अम्ब्लाइकल वेंस निकलती है जो बच्चे तक आती है। अब इन अम्ब्लाइकल आर्टरी और वेंस का ही काम होता है बच्चे के थ्रू, बच्चे के अंदर ब्लड के थ्रू सब चीज लेके आना। यह प्लेसेंटा ही बच्चे के अंदर अम्ब्लाइकल वेन से होते हुए, वेन हालांकि एक वयस्क मानव के अंदर डीऑक्सीजनेटेड मींस गंदा खून ले जाने का काम करती है, बट यहाँ उल्टा है, यहाँ पर वेन होती है वो अच्छा खून लेके जाती है बच्चे तक, और आर्टरीज होती है ये बच्चे से माता के जो गंदा खून होती है या जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो लेके जाती है। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, प्रेगनेंसी में पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, ब्लड की भी ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, वो इसलिए क्योंकि एक माँ को अपने बच्चे को सारी न्यूट्रिशन सप्लाई देनी होती है, बच्चे को भी खून की सप्लाई देनी होती है। तो उस खून के थ्रू ही, ब्लड के थ्रू आपको बच्चे को सारे अमाइनो एसिड्स, जो भी कंपाउंड्स होते हैं, न्यूट्रिशनल विटामिन होते हैं, ये सब पानी की पूर्ति होती है। ऑक्सीजन, ब्लड O2 कैरिंग कैपेसिटी रखता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुलनशील अवस्था में होती है, वह ब्लड के थ्रू ही आपके बच्चे तक पहुँचती है। तो आज की इस वीडियो में हम जाना था कैसे एक बच्चे के पास में या बच्चे के अंदर इन सभी चीज़ों की पूर्ति होती है, वो होती है प्लेसेंटा। ऐसे ही दिलचस्प और प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ के बारे में जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।